शुभ संध्या, जमशेदपुर मिरर की टीम से आपका हार्दिक स्वागत है। आते हैं और एक लाइव पे, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा विलंब हुआ ये कंटेंट को लेकर, बट खबरों की पुष्टि जब तक सही नहीं होती तब तक दिखाना उचित नहीं होता है। पेट्रोल डीजल 25 रुपया घटने पर जनता की राय। हाँ, आपने सही सुना, 25 रुपया घट तो चुका है। हेमंत सरकार ने आज 2 साल अपने कार्यकाल पूरे होने पर 25 रुपया पेट्रोल और डीजल पे घटाने का फैसला लिया है, जो 26 जनवरी से लागू होगा। ये ट्वीट ऑफिस ऑफ हेमंत सोरेन, जो कि सीएम ऑफिस है, वहाँ से ये घोषणा किया गया है। बट इसमें एक तरह का लॉजिक है, लॉजिक समझने वाला है। ये स्कीम आम जनता लोगों के लिए नहीं है, ये स्कीम उनके लिए है जो कि बीपीएल कार्ड होल्डर है। बीपीएल कार्ड मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल कार्ड होल्डर जो लोग हैं, ये उनके लिए है। ये उन्हीं के लिए लागू होगा जो खेतों में काम करते हैं, जो गरीब रेखा के नीचे हैं, जो फसलों के लिए काम करते हैं, उनके आने जाने के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। तो अभी तक आप ये अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि आम पब्लिक के लिए कुछ भी ये चीज़ नहीं है। 2 साल में खाली हेमंत सरकार ने ये झुंझुना पकड़ने का काम किया है, ठीक है। आइए जानते हैं जनता की राय इसमें। भैया नमस्कार, एक लाइव पे आप और हम जुड़ रहे हैं। अभी हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि 25 रुपया पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, पर 26 जनवरी से यह नई दर लागू होंगी। तो आपकी ये क्या राय है, क्योंकि ये आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो दरें जो घटाई गई हैं 26 जनवरी से, ये खाली बीपीएल कार्ड होल्डरों के लिए है, कि जो फसल काटने का काम करते हैं, जो गरीब रेखा के नीचे हैं। क्या ये डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा, हेमंत सरकार के द्वारा, क्या ये उचित है? क्योंकि ये नियम हम मानते हैं कि ये नियम आम वर्ग के लोगों के लिए भी लागू होना चाहिए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सरकार दोनों को फायदा भी है, एक को फायदा दे रही है, दूसरे को नुकसान हो रही है। जब लागू कर रही है तो सरकार को दोनों को देखना चाहिए, ऐसे तो हम लोग को नुकसान हो जाएगी। आपने सुना भैया का प्रतिक्रिया, भैया कह रहे हैं कि ये दोनों वर्ग के लोगों को लागू होनी चाहिए ताकि आम जनता को हल्की सी राहत हो। मैंने भी जब ये न्यूज़ सुना, मेरे पास भी जब ये न्यूज़ आई तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि 25 रुपया कोई कैसे घटा सकता है। फिर जब ये खबरें की पुष्टि की गई, इसीलिए हम लाइव जुड़ने में थोड़ा सा देरी हो गया मुझे। आते हैं अंकल से, थोड़ी सी प्रक्रिया लेते हैं। नमस्ते अंकल, आप जमशेदपुर मिरर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मिरर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है अंकल जी। हेमंत सरकार का 2 साल कार्यकाल पूरा होने के मौके पर हेमंत सरकार ने आज ही घोषणा की कि 25 रुपया पेट्रोल और डीजल का दाम घटा दिए जाएंगे, 26 जनवरी से ये नई दर लागू रहेंगी। बट ये जो दरें हैं ये खाली बीपीएल कार्ड होल्डर वालों को लागू है, तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? उनका राजनीति हथियार है, ये तो राजनीतिक हथियार है, और पहले भी तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं, तो उनको पता है कि मतलब वोट बैंक कौन सा एरिया है, सिर्फ उसी को फोकस कर रहे हैं। जैसे फॉरवर्ड क्लास और भी बाकी लोगों से तो मतलब झारखंड की पूरी जनता से कोई मतलब नहीं है अंकल, सिर्फ उसी जनता से मतलब है जो उनका वोटर जहाँ फोकस कर रहे हैं। क्या मतलब है वो, जबकि वो टैक्स भी पे नहीं करता है, वो जो वर्ग है वो टैक्स भी पे नहीं करता है, और हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो रिबेट हम लोग का नहीं है, जो कुछ नहीं कमा रहा हो दम भर खा रहा है, स्थिति वही है। बात समझ रहे ना, ये सब तुष्टिकरण की राजनीति है। जब वंशवाद वाला नेता आएगा तो यही सब करेगा क्या? जैसे हेमंत जी को उनके पिताजी शिबू चौधरी, तो कौन पहचानता उनको? कोई पहचान है उनका? अपना कोई पहचान नहीं है। ये सब क्या है, राजनीति का एक हथियार है। सभी को दीजिए लाभ, ये बीपीएल को देंगे, हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि बीपीएल 1 रुपये टैक्स नहीं भरता है कि नहीं? जितना देश का देखिए, कमाने वाला कोई और, खाने वाला कोई और, बैठ के खा रहा, चावल ले रहा, ये ले रहा, फलना ढेकना, टैक्स हम लोग भर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए क्या। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, अंकल बता रहे थे कि ये जो है एक आम जनता को केवल झुंझुना पकड़ाने का काम किया गया है। हेमंत सरकार द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर उन्होंने घोषणा तो कर दी, बट आम जनता की अगर मैं राय ले रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि वो नाखुश हैं,
क्योंकि ये जो 25 रुपया जो घटाने का जो फैसला लिया गया है, ये आम जनता के लिए भी होना चाहिए, हर वर्ग के लिए भी होना चाहिए। बात तो जनता सही कह रही है कि टैक्स पेयर जो है वो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। इंडिया का जो इकनॉमी, इंडिया की अगर मैं इकनॉमी की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट टैक्स पेयर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई रियायतें नहीं दी गई हैं इसमें, खाली सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड होल्डर वालों को ही 25 रुपया दर कम से 26 जनवरी से पेट्रोल और डीजल उपलब्ध होंगी। इसमें आम जनता की बहुत सारी प्रक्रिया हमें मिल रही हैं लाइव के द्वारा से। बहुत जनों ने कमेंट करके भी ये हमें बताया है कि ये कालाबाजारी का एक नया स्कैम की तरह हो जाएगा, लोग पेट्रोल लेंगे, बीपीएल वाले पेट्रोल लेंगे और बाहर में बेचेंगे। ये कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही हैं। जानते और एक अंकल से जो पेट्रोल भरा के ही निकल रहे हैं। अंकल जी, आपसे दो मिनट बात करना चाहेंगे। जमशेदपुर मिरर की टीम से आपका हार्दिक स्वागत है। हेमंत सरकार 26 जनवरी से 25 रुपया पेट्रोल घटा दी है, पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए। बट ये जो 25 रुपया जो घटाई है 26 जनवरी से, ये खाली सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड होल्डर वालों के लिए घटाई गई है। क्या आपकी ये मतलब जो घोषणा हुई है, क्या आप इससे सहमत हैं? अंकल न्यूज़ अभी तक देखे नहीं है। बहुत जन को अंकल की तरह बहुत जन ऐसे हैं जिनको अभी तक इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये अभी कुछ ही घंटे पहले ये घोषणा हुई है कि ये चीज़ है। जानते हैं और लोगों की प्रक्रिया जानने की कोशिश करते हैं, जैसे ये भैया के द्वारा जानते हैं। अंकल जी नमस्कार, जमशेदपुर मिरर की टीम में आपका स्वागत है। अभी हेमंत सरकार ने घोषणा की है कि 25 रुपया पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है 26 जनवरी से। बट ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ खाली बीपीएल कार्ड धारकों के लिए है। क्या आप ये राय से सहमत हैं? कर दिए पता बोल रही 180 बोल रही। हाँ, क्या आप ये चीज से सहमत हैं? बहुत सारी जनताओं का कहना है कि मध्यम वर्ग के लोग जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है, जो इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते कहीं ना कहीं, उनके लिए ये चीज इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपकी ये क्या राय? इसमें सहमत नहीं है, पैसा नहीं होना चाहिए, गिरेगा तो सबके लिए गिरेगा, इसका थोड़ी है। बीपीएल कार्ड या ये भी कार्ड तो गड़बड़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबका यही कहना है कि ये होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इसमें और एक उसमें आपको जानकारी ये बता दे कि ये खाली दो पहिया वाहनों के लिए लागू किया गया है, फोर व्हीलर के लिए यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है ये स्टेटमेंट पे। आज के लिए इतना ही था, मिलते रहिएगा जमशेदपुर लाइव के साथ, जुड़े रहिएगा और भी ताज़ा न्यूज़ों के साथ। आपका दिन शुभ हो।